दोस्तों, यदि आपको मैच देखकर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी फेवरेट आईपीएल टीम का नाम जरूर बताएं। राजस्थान रॉयल्स ने जोस बटलर 95 की बेहतरीन पारी की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स को 4 विकेट से हराकर मैच अपने नाम कर लिया है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शुक्रवार को खेले गए आईपीएल 2018 के 43वें मुकाबले में चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर्स में 176 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 6 विकेट खोकर एक गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा मिले 177 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत तो तेज हुई, लेकिन चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर हरभजन सिंह ने बेन स्टॉक्स 11 को क्लीन बोल्ड कर दिया। पहले विकेट के लिए बटलर और स्टॉक्स के बीच 48 रन की हुई। स्टॉक्स के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान अजिंक्य रहाणे 4 के रूप में राजस्थान को दूसरा झटका लगा। 5वें ओवर की चौथी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने रहाणे को सुरेश रैना के हाथों कैच आउट कराकर चलता किया। यहां से बटलर और सैमसन की जोड़ी ने पारी को संभाला, लेकिन 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर संजू सैमसन 21 रन बनाकर रन आउट हुए। दोनों बल्लेबाजों के बीच तीसरे विकेट के लिए 46 रन की साझेदारी हुई। इसके बाद आईपीएल में राजस्थान की तरफ से अपना पहला मैच खेल रहे प्रशांत चोपड़ा को शार्दुल ठाकुर ने अपना शिकार बनाया। वह ब्रावो के हाथों कैच आउट हुए। इस दौरान उन्होंने 2 चौके की मदद से मात्र 8 रन बनाए। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने शुक्रवार को आईपीएल 2018 के 43वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के सामने जीत के लिए 177 रन का लक्ष्य रखा है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सीएसके ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 176 रन बनाए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत थोड़ी निराशाजनक रही। 3रे ओवर के पहली गेंद पर सीएसके को जोरदार झटका लगा। तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने चेन्नई के सलामी बल्लेबाज अंबाती रायडू 12 को क्लीन बोल्ड कर दिया। यहां से शेन वॉटसन और सुरेश रैना ने जोड़ी ने पारी को संभाला और स्कोर को 100 के पार पहुंचाया। 105 के स्कोर पर चेन्नई का दूसरा विकेट शेन वॉटसन के रूप में गिरा। जोफ्रा आर्चर ने वॉटसन को जोस बटलर के हाथों कैच आउट कराकर चलता किया। वह 31 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 39 रन बनाकर डगआउट लौटे। दूसरे विकेट के लिए रैना और वॉटसन के बीच 86 रन की साझेदारी हुई। इसके बाद 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर ईश सोढ़ी ने सुरेश रैना को स्टुअर्ट बिन्नी के हाथों कैच आउट कराया। उन्होंने 35 गेंदों पर 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 52 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। वहीं आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर सैम बिलिंग्स 27 रन आउट हो गए। चौथे विकेट के लिए धोनी और बिलिंग्स के बीच 55 रन की साझेदारी हुई। धोनी नाबाद 33 रन बनाकर डगआउट लौटे। राजस्थान की तरफ से जोफ्रा आर्चर ने 2 और ईश सोढ़ी ने 1 विकेट लिए।